शीर्षस्थ नेता है वो मैंने राज्य के जितने शीर्षस्थ नेता है वो सारे के सारे मौजूद है, यहाँ के कैंडिडेट जो है वो मौजूद, तो ये सारे लोग जिनमें से अधिकांश लोग गए हुए थे वहाँ प्रधानमंत्री की अगवानी करने एयरपोर्ट से, वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आए वहाँ उनका उन्होंने स्वागत किया, उनको साथ में ले आए, तो इस समय सारे के सारे लोग जिनको आप शीर्षस्थ नेतृत्व जो है बीजेपी का वो वहाँ मौजूद है और प्रधानमंत्री का स्वागत प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं और लोगों में उत्साह इतना है कि इस समय नेतृत्व जो है मतलब वो भी इस समय दरकिनार हो गया है, इस समय सारा फोकस जो है सबका वो लोग हों चाहे जो भी सबका प्रधानमंत्री पर है। जो आपने जैसा आपने कहा तो बहुत से लोग ऐसे मतलब फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रति उनका प्रेम जो है उनका उत्साह जो है वो उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा है, वो दिख रहा है जैसा आपने कहा कि मतलब तो उनके मन में एक छवि है प्रधानमंत्री की कि ये वो प्रधानमंत्री है जो देश को इतना आगे लेके गए, जिन्होंने विदेशों में भारत की छवि को इतना आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में इतनी बैठी है। मैंने जैसा आपसे कहा कि 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जब उन्होंने उनको अपने सामने पाया है तो उनका उत्साह जो है उनके उत्साह का पारावार नहीं है, वो हर सीमा पार है। जी आशुतोष शुक्ला, आप भुवनेश्वर में मौजूद हैं, सामान्य तौर पर क्या इस सड़क पर या इस पूरे इलाके में इतनी गहमा गहमी भीड़ भाड़ यह रहती है या प्रधानमंत्री के आकर्षण को लेकर उनके प्रति लोगों का जो एक चुंबकत्व एक तरीके से कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर वो एक बड़ी वजह है कि आज हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए प्रधानमंत्री को देखने के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा, आमतौर पर इतनी भीड़ इस सड़क पर जब तक कोई उत्सव ही ना हो ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन आज वास्तव में उत्सव का माहौल है, प्रधानमंत्री मौजूद है, प्रधानमंत्री आए हुए इसलिए उनको देखने के लिए ही ये ऐसी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है, अदरवाइज ऐसी भीड़ आमतौर पर देखने को यहाँ नहीं मिलती। और ये विहंगम दृश्य आशुतोष आप भी देख रहे हो कि किस तरीके से विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है, बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के साथ भी चल रहे हैं और सड़क के दोनों ओर भी लोग मौजूद हैं, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आशुतोष ये भी समझना जरूरी है देश भर में तो देश का चुनाव हो ही रहा है लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में उड़ीसा भी उनमें से एक है जहां पे एक लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो एक उत्सुकता डबल हो सकती है, लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह डबल है, उस सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं जरा उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा, उड़ीसा उन कुछ प्रदेशों में से है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, सच्चाइए पिछली बार भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुए थे, तो उड़ीसा का महत्व देश के वो उन कुछ राज्यों में से है जहां दोनों चुनाव हो रहे हैं, इसलिए यहां लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसका महत्व कहीं और ज्यादा बढ़ गया है, और सारे दल जो इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं भाग ले रहे हैं उनके लिए भी इस राज्य का महत्व जो है बहुत, प्रधानमंत्री जब लाइक करते होंगे वो भी जानते हो कि उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी जानते हैं, तो वास्तव और इस समय मतलब उड़ीसा में जो वातावरण है मैं तो काफी जगहों मैंने घुमा फिरा है मैंने देखा है, क्योंकि ये दो तरह के दो चुनाव एक साथ हो रहे हैं और लेकिन चुनाव में अगर इश्यूज को आप देखें मामलों मुद्दों को देखें तो वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो मुद्दे प्राय एक जैसे, और सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री की इमेज प्रधानमंत्री की छवि, तो आपने एकदम सही कहा कि क्योंकि यहाँ विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है इसलिए इस राज्य के लिए या देश में इस राज्य का महत्व दूसरे राज्यों से कहीं अधिक है, और इसीलिए आज ये जो उत्साह देख रहे हैं या लोगों की भीड़ जो देख रहे हैं एक वजह ये भी है। बिल्कुल, ये उत्साह शायद डबल भी नजर आता है क्योंकि यहाँ दो चुनाव हैं लोकसभा के विधानसभा के, लेकिन ये विहंगम दृश्य भी अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, महिलाओं की वो टोली जो नाचते गाते और एक तरीके से शंखनाद करते हुए बीजेपी के पक्ष में आगे बढ़ रही है, 150 महिलाओं के आसपास की टोली जो पारंपरिक पशापाली जो साड़ी है उसमें मौजूद है, सर पर उन्होंने बीजेपी का साफा है, हाथ में बीजेपी के लिए समर्थन के लिए झंडा है, और ऐसे में वो आगे है महिलाओं की एक टोली है, उसके बाद प्रधानमंत्री का विशेष जो एक तरीके से वाहन है उस पे वो मौजूद है और लगातार दोनों सड़क किनारे की ओर प्रधानमंत्री का जन समर्थन जुटाने की कोशिश है, जो भी व्यक्ति किसी भी ओर खड़ा हो किसी को निराश ना होना पड़े प्रधानमंत्री की ये कोशिश होती है। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।